अउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आपको अगेन ट्यूटोरियल के चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज आप लोगों के लिए टाटा आईपीएल के हवाले से एक छोटी सी अपडेट लेकर आया हूँ। काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, इसके अलावा मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि टाटा आईपीएल जो स्टार्ट हो चुका है इसकी आप एक हमारे साथ अपडेट शेयर करें, उसमें बताएं कि टाटा आईपीएल के मैचेस कौन कौन सी सेटेलाइट या कौन कौन से ऐसे चैनल हैं जिन पर फ्री में ब्रॉडकास्ट की जाएगी। स्पेशली ज़्यादातर लोगों के पास दो फीट डिश एंटीनाज मौजूद हैं तो उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा करामत होने वाली है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप किस तरह दो फीट डिश एंटीना पर टाटा आईपीएल 2024 के तमाम लाइव मैचेस बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। ना आपको किसी सी लाइन की जरूरत पड़ेगी, ना ही आईपीटीवी की जरूरत पड़ने वाली है। और इसके अलावा अगर आपके पास 4 फीट डिश एंटीना पर पाक सेट सेट है तो उसके साथ भी आप आईपीएल को एंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको दो चैनल ऐसे बताऊंगा जो कि बहुत ही आसानी के साथ आपको किसी टेक्नीशियन को भी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही इन सेटेलाइट्स को और इन चैनल को सेट कर पाएंगे, क्योंकि इसकी ऑलरेडी हमने वीडियो भी शेयर की है और ये बहुत ही ईजी और स्ट्रांग सेटेलाइट्स हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि सेटेलाइट डिश एंटीना से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स चलते हैं और आपको बताते हैं कि टाटा आईपीएल के मैचेस कौन कौन सी सेटेलाइट्स और कौन कौन से चैनल पर फ्री में ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो पहला सेटेलाइट है या 57° ईस्ट जो कि बहुत ही पॉपुलर सेटेलाइट है रशियन चैनल के वाले से, यहाँ पर काफ़ी सारे मूवीज और स्पोर्ट्स वगैरह के चैनल भी चलते हैं। तो यह सेट बहुत ही आसान सेटेलाइट है, 2 फीट डिश एंटीना पर भी आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर दो चैनल हमें जो अपडेट मिली है, उम्मीद की जा रही है इन दो चैनल्स पर टाटा आईपीएल के मैचेस दिखाए जाएंगे। पहला जो चैनल है वतन एचडी जो कि तकरीबन तमाम ही लीग्स या टूर्नामेंट दिखाता है, और दूसरा जो चैनल है एटीएन, ठीक है, एटीएन स्पोर्ट्स जो चैनल है एक ये और दूसरा वतन एचडी। अगर आपके पास 2 फीट डिश एंटीना मौजूद है तो दोस्तों आप बहुत ही आसानी के साथ या 57° ईस्ट सेटेलाइट को सेट कर लें। इस सेटेलाइट की जो सबसे आसान और स्ट्रांग फ्रिक्वेंसी है वो आपको स्क्रीन पर शो करवा देता हूँ। ये फ्रिक्वेंसी है बहुत ही ईजी फ्रिक्वेंसी है दोस्तों, या सेट को सेट करना मीन के बच्चा भी इसको सेट कर सकता है। बहुत ही आसान सेटेलाइट है, बहुत ही स्ट्रांग इसके सिग्नल हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप 2 फीट डिश एंटीना पर या 57° ईस्ट सेटेलाइट को सेट कर लें, वहाँ पर वतन आईडी और एटीएन पर आप ये जितने भी मैचेस होंगे टाटा आईपीएल के ये इंजॉय कर सकते हैं। इनकी जो फ्रिक्वेंसी है या सेट की वो आपको मैंने स्क्रीन पर शो करवा दिया। दूसरा जो चैनल है दोस्तों वो भी काफ़ी पॉपुलर सेटेलाइट सब दोस्तों के पास सेट होती है, डीडी फ्री डिश जो कि इंडिया की सेटेलाइट है। यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि स्टार उठसे मूवीज जो चैनल है ये टाटा आईपीएल के जितने भी मैचेस होंगे वो लाइव दिखाएगा। मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग हैं जो तकरीबन सेटेलाइट डिश एंटीना या टीवी के शौकीन है तो उनके पास ये सेटेलाइट तो लाजमी ही लगी होगी, डीडी फ्री डिश। अगर आपके पास डीडी फ्री डिश सेटेलाइट सेट है तो स्टार उठसे मूवीज पर आप ये आईपीएल के जो मैचेस हैं वो देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास डीडी फ्री डिश सेटेलाइट सेट नहीं तो डीडी फ्री डिश सेटेलाइट की सबसे आसान और स्ट्रांग फ्रिक्वेंसी भी मैं आपको स्क्रीन पर शो करवा देता हूं। इस फ्रिक्वेंसी को लगा के आप सेट करें, ब्लैंड कैन सर्च करें तो आपके पास तमाम चैनल आ जाएंगे। तो 2 फीट डिश एंटीना पर एक हमारी 57° हो गई और दूसरी हमारी होगी डीडी फ्री डिश। डीडी फ्री डिश पर आपको बता दिया स्टार प्लस मूवीज जो चैनल है ये आपको टाटा आईपीएल के मैचेस दिखाएगा। यहाँ पर अगर बात कर लें आपके पास 2 फीट डिश एंटीना मौजूद नहीं लेकिन 4 फीट डिश एंटीना मौजूद है, अगर आपके पास 4 फीट डिश एंटीना मौजूद है दोस्तों अगर उस पर आपके पास एशिया सेट 7 सेट है तो आप साइड LNB पे डीडी फ्री डिश को लगा के ये आईपीएल के मैचेस देख लें, और अगर आपके पास 4 फीट डिश एंटीना पर पाक सेट 1R38 C-band सेटेलाइट सेट है तो आप साइड LNB पे या 57° ईस्ट को लगा लें। तकरीबन एशिया में जितने भी दोस्त हैं उनके पास एशिया सेट या पाक सेट तो लाजमी ही लगी होती है, तो इनके साथ आपको मैंने KU band की सेटेलाइट बता दी, पाक सेट के साथ या सेट लगा लें साइड LNB पे और एशिया सेट 7 के साथ डीडी फ्री डिश लगा लें। इसके अलावा जो दोस्त चाहते हैं कि वो अच्छी क्वालिटी में HD रिजल्ट में टाटा आईपीएल के मैचेस देखना चाहें तो उन दोस्तों के लिए ऑप्शन है आप वीडियोकॉन 88° ईस्ट सेटेलाइट सेट कर लें या टाटा स्काई 83 सेट कर लें या एयरटेल 108° ईस्ट सेट कर लें, क्योंकि जो तीनों DTH है यहाँ पर जो स्टार स्पोर्ट्स का नेटवर्क चलता है वो आईपीएल के मैचेस लाइव दिखाएगा। तो आप अच्छी क्वालिटी में HD रिजल्ट में अगर चैनल पर ये मैच देखना चाहते हैं तो फिर आप इन तीनों सेटेलाइट में से कोई भी एक सेटेलाइट सेट कर लें, और इनकी जो अच्छी ओरिजिनल गारंटेड अगर आपको सी लाइन चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शोर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप टाटा स्काई, वीडियोकॉन,
एयरटेल, इन तमाम जो सेटेलाइट है इनकी सी लाइन बाय करके ये चैनल एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके पास फॉरएवर सर्वर रिसीवर मौजूद हो, आपने फॉरएवर रिचार्ज करवाना है, तो गारंटी के साथ विद इन 5 मिनट दोस्तों आप अपना फॉरएवर सर्वर भी रिन्यू करवा सकते हैं। दोस्तों ये कुछ अपडेट थी टाटा IPL 2024 के हवाले से। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।